गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हिंदी की कॉपी निकालिए, हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। मैम निकाल ली है, निकाल लिए पेंसिल इरेजर सारी चीजें अपने पास पहले आप लोग रख लीजिए आराम से। गुड मॉर्निंग सावर, गुड मॉर्निंग चंद्रांशु, गुड मॉर्निंग त्रिशा, गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग संस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हिंदी की हिंदी की कॉपी एंड बुक निकाल लीजिए। हिंदी की कॉपी और बुक दोनों निकाल लीजिए आप लोग। व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे, 30, 40, 20, 21. टुडे कौन सा डे है आज? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ थर्सडे, सैटरडे का कौन बोल रहा है? थर्सडे सैटरडे कौन सा डे है आज? थर्सडे है आज। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा है? Wednesday. कौन सा डे है? Wednesday है ना? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सामान तुक वाले शब्द। आज हम लोग लिखेंगे सामान तुक वाले शब्द, जैसे अगर, मगर, नगर, इधर उधर, परम करम धरम है ना, अब कब जब, चटक मटक लटक, ऐसे शब्द हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, किड, बेब, ऐसे होते हैं ना। हाँ हिंदी की बुक निकालिए और हिंदी की कॉपी निकालिए। कौन सी बोली है? हिंदी की बुक एंड हिंदी की कॉपी कट गई ना। मैम कौन सी बुक निकाली? एक्टिविटी वाली? नहीं नहीं हिंदी की, हिंदी की, हिंदी। हाँ शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान है ना आपकी बुक, इसको निकाल लीजिए। हाँ, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? राइमिंग वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं ना? Yes, ma'am. हाँ, जैसे हम लोग तो सामान तुक वाले शब्द, जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं, कॉट, पॉट, हॉट है ना, किक, टिक पढ़ते हैं ना, कॉट, पॉट, हॉट, कॉक, लॉक। तो उसी तरह से हम लोग इसको हिंदी में करेंगे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सामान तुक वाले शब्द, जैसे जैसे भगत, जगत, रजत, कहर, पहर, लहर, धन, वन, मन, गरम, नरम, भरम, तो इस तरह के शब्द होते हैं। अब, तब, कब, तो स्टार्ट करें हम लोग लिखना। पहले हेडिंग लिखिए आप लोग। मेरे पास सामान
तुक वाले शब्द लिखो। पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे लिखे। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए। यहाँ पर यहाँ क्या लिखिए? ये लिखो बेटा। चलो लिखो। घर नर वर क्या बनता है? कल कल चल गाली कर। आपकी मात्रा लगे हेडिंग हो जाएगी तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। मम्मी ये है, ये दिख रहा है इनकी चैनल ना जल्दी शब्द। हाँ स्टैंडिंग लाइन बटक मात्रा मात्रा किचन ना सब हेडिंग हो गई सबकी। आराम से करिए और खुद से लिखने की, हाँ खुद से लिखने की, हाँ खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए। त्रिशा, त्रिशा देखो कितनी अच्छी है ना, त्रिशा भी अपने से करती है। सब लोग अपने से भी हेडिंग भी लिखना आप थोड़ा शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो क्या लिखे? तो मेरा हाथ लोग मात्र लोग लिख 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 क्या लिखे? तो ना आपका ज्यादा हाथ है स्लिपी लाइन ऊपर वाले मात्रा जैसे यहाँ लगाना। चलिए अब स्टार्ट करें लिखना जल्दी से। बालक हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने फल। तो अब इसके सामान टुक वाले शब्द कौन से होंगे? जैसे फल लिखा फल फल तो हाला फल हल 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 चल या कल कुछ भी लिख सकते हैं। फल हल चल तो ये कौन से शब्द हो गए सामान टुक वाले? जैसे आप लोग राइमिंग वर्ड लिखते हैं इंग्लिश में हॉट, उसी तरह से फलाफल हलाहल चाला चल उसको लिखे जल्दी से। आप देखे पहले छोटे छोटे लिखेंगे फिर उसके बाद बड़े। अब जिसको समझ में आए वो अपने से भी मुझे आंसर दे सकता है। जैसे मैंने लिखा अब अब तो कोई ऐसा याद आ रहा है आप लोगों को समान टुक वाले शब्द? अब 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 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए बा पीछे आपका बा जरूर आना चाहिए, सेम चीज पीछे आनी चाहिए। आगे का तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन पीछे का सेम आना चाहिए। जैसे अब अब तो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया का, आपकी जगह पे मैंने लिख दिया का और क्या लिख दिया बा। अब लिखा तो क्या हो गया? अब अब का बा का बा। ऊपर
ऊपर स्पेस बेटा इसे बेटा पेज नंबर से नहीं लिखा रहे हैं हम ये ये किताब से नहीं लिखवा रही हूँ मैं चलो इसीलिए दिख तो रहा ओके यस मैम सर ये किताब से नहीं लिखा रहे हैं ये हम सामान दुख वाले अपने से करा रहे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप लिखेंगे तो आपको आएंगी ना ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अपने से भी कराते हैं सेम बुक से नहीं कराते हैं ठीक है अब कब कब अब लिखा मैंने अब तीन अक्षर वाले लिखने जा रही हूँ जैसे मैंने लिखा ना ग र अब देखिए पहला अक्षर आपका चेंज होना चाहिए जैसे नगर नगर तो यहाँ पे ना की जगह मैंने क्या लिख दिया माँ और इस गरा को मैंने सेम वैसे ही लिख दिया देखिए ये भी गरा नगर नगर माँ गरा नगर और आ अब हम लिखेंगे आ अगर नगर मगरा मगर आगर आगर देखिए पहला अक्षर ही मैंने चेंज किया है बाकी नगर मगर अगर लिखिए कॉपी में और आपको भी बोल के लिखिए नगर नगर मगरा मगर अगर अगर आप लोग बोल के लिखेंगे तो आप लोगों को पढ़ना भी आएगा और शब्दों को सुनकर उसे लिखना भी आएगा जैसे मैंने बोला अगर तो आप सुनेंगे तो लिख पाएंगे की जगह पे हम क्या कर देंगे पा अब हम कर देंगे पा हर अब हमने लिखा पहले छोटा वाला बनाओ आगे वाला ही आगे कहरा कहर कहरा कहर और नहरा नहर घर नहरा नहरा हरा हर हरा हर हरा हर सिर्फ पहला अक्षर चेंज किया है कहर बहर नहर नहर लिखो लिखिए इतना लिखिए फिर आगे कराएं लहर फिर आगे वाला खींचो आगे वाला बस लहर ना बस अब स्टैंडिंग सीधा करना है आपने लिख लिया है क्या बड़ी जल्दी लिख लिया सामंत वेरी गुड कहर हाँ हाँ लिख लीजिए सबका हो जाए आगे लिखिए देखो हो गया जल्दी लिखो ओके सब लोग लिखिए संस्कार आपका हो गया आप लिख नहीं रहे देखिए जल्दी लिखिए प प
अब देखिए जल्दी फिर एंडिंग लाइन देखो तू मैम कर ली वो देखो चंद्रांशु को जल्दी को अब आप लोग बताइए क्या लिखा है मैंने मिला के पढ़िए क्या बन गया वाना दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो बन बन वेरी गुड चलिए फिर पढ़िए धाना धन आप लोग पढ़िए माना मन माना मन वेरी गुड तुषार वाना मन हाँ तो क्या है समानतुक वाले शब्द क्या बने धन मन 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 चले लिखे मन संस्कार आप लिख नहीं रहे कौन कर रहा है काम मैम वो क्या संस्कार का बस हेडिंग लिख चलो दूसरे आना धन आना इंग्लिश लाइन करो पहला अक्षर चेंज किया सेम हाला हल हाला हल ल दूर करो महला महल चहला चहल पहला पहल देखिए महला महल चंद्रांशु कुछ आप नहीं लिख रहे क्या बेटा नहीं मैम हाँ नहीं बना पाया था वही बना रहे हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हाँ नहीं बना पा रहे हो कुछ बोलो ना चंद्रांशु कोशिश करो आ जाएगा लिखिए जल्दी महल चहल लिखिए ऐसे नहीं दिखता मारी अंदर चलिए सब में चल रहा है लेकिन सिर्फ पहला अक्षर चेंज कर रहे हैं चटक मटक लटक सिर्फ पहला अक्षर उसका चेंज कर रहे हैं चटक मटक लटक करिए
मटर का लिखो मटर ये देखो मटर यहाँ हो गया यहाँ करिए अभी लिखो लटक 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 यहाँ लिखो ला लिखो ला ला आप देखिए बोल रहे हैं ना हाँ क्यों हमने लिखा मटर आप देखिए अभी तक टॉक का टक अब टार टार जैसे कि क्या लिखा टर टर मटर अब लिखा का टर मटर मटर अब हमने माँ की जगह का लिख दिया तो कटारा कटर अब हमने का की जगह चा लिख दिया तो चाटारा क्या बन गया कौन बताएगा चाटारा क्या बनेगा मटर 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 कटारा कटर तो चटारा चटर कटर मटर कटर चटर चटर लिखो चटर लिखो चटर चटर लिखिए माँ तो नहीं लिख पा रहा माँ तो नहीं लिख पा रहा काफी फर्द भी का ना जैसे बन हां अच्छा लिखिए ना हां हो गया अच्छा तानी लिख पर लगी तानी टमाटर ये रहा लिखे कर हम यहां लिखो जल्दी लिखिए लिखे ल पढ़ पढ़ ला तुम से कितनी बार बोले ये पढ़ लिखो क्या आ जाएगा ल हो गया बेटा यस मैम अब नहीं हो गया कर लीजिए सबका हो जाए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से अब एक बार पढ़ ले हम लोग धाना धन माना मन वाना वन अब देखिए महल शहर आप लोग भी मेरे साथ बोलिए मटर चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए महल महल शहर महल बोलो मटर मटर चटक मटक लटक मटर कटर चटर मटर मटर चटर कटर मैम दूसरे पेज में पेज भर गया है क्या आपका कर लीजिए दूसरे पेज में कर लीजिए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है भगत भगता भगत तो अब देखिए गाता जैसे टाका तारा उसी तरह से गाता भगता भगत रा रजत रजत आप क्या लिखेंगे जगत भगता भगत रजता रजत जगता जगत लिखे बस एक और लिखना है आपको पता नहीं
जैसे ना बनता है स्टैंडिंग लाइन करो जल्दी बनाओ स्टैंडिंग लाइन करो ना बनाओ बनाओ आप देखिए घर 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 क्या लिख रहे हो घर नहीं लिख पा रहे हो क्या यहाँ लिखो अलग इतना नहीं इसको अलग करो इसको अलग करो स्टैंडिंग लाइन करो रजत रजत सही लिख रहे हैं अब देखो ना र ना हर वर नर हाँ ना र देख लिया करो दिखता नहीं तुमको मैम इतना बड़ा लिखी है खाने का सामान तो दिखता है तुमको फिर बैठे दीदा अभी लिखने तो फिर लिखना नहीं लिख लिए लिख लिए मैम लिख लिए सबका हो गया मैम लिख लिए जगत अभी देखिए सबकी देखो जल्दी जा 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 ओके चंद्रांशु वेरी गुड तो क्या लिखे सामर ओके सामर वेरी गुड अरे वाह त्रिशा त्रिशा देखे वेरी गुड त्रिशा और दीदी इसका आइए दे दो अब मैं नहीं करूंगा आप दिखाइए संस्कार थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है सीधा कीजिए और थोड़ा सा ऐसे बीच में लाइए हाँ सेंटर में आप कॉपी सीधी करिए दिख नहीं रहा है संस्कार जैसे चमक रहा है चलिए ठीक है संस्कार ओके गुड वेरी गुड नर नर
अब आप लोग आपकी जो बुक है स्मार्ट ब्रेन एक्टिविटी हिंदी की उसको निकाल लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले ये कि कौन कौन बच्चा पोयम लर्न कर लिया है। किसने अभी मैंने याद नहीं किया। ओके, याद करके वीडियो बना के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा, ठीक है? और अच्छे से विद एक्शन के साथ। और ये बताइए कौन सी पोएम मैंने लर्न कराई थी? बटरफ्लाई हो बटरफ्लाई। हाँ, तो ऐसे तेजी से नहीं बोलना है, बटरफ्लाई हो बटरफ्लाई, एकदम धीरे धीरे बटरफ्लाई हो बटरफ्लाई। ओके, धीरे धीरे। अब देखिए आपकी जो बुक है स्मार्ट ब्रेन एक्टिविटी, हाँ, इसमें पेज नंबर 7 ओपन करिए। पेज नंबर 7 स्मार्ट ब्रेन एक्टिविटी नंबर पूछो। पेज नंबर 7 हाँ, चित्र देखकर प्रथम वर्ण लिखिए। प्रथम का मतलब होता है पहला अक्षर या पहला वर्ण। जैसे आ से बड़ा आ से आम होता है तो यहाँ पे बड़ा आ लिख दीजिएगा। ऋ से ऋषि होता है तो यहाँ पर ऋ से ऋषि लिख दीजिएगा। ओके, राइट डेट है यहाँ पे, डेट लिखिएगा एंड ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम लिखिएगा। ओके, हाँ बेटा, नाम भी। हाँ, और अभी मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है इसको आप लोग बोल बोल के एक बार इसकी रीडिंग घर पे करिएगा। जैसे भागा था भगत, राजा था रजत, जागा था जगत, घरा, बोलिए घरा, सब अच्छे बोलिए घरा, घरा घर, वारा नारा नर। तो आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग करना है। जब आप लोग रीडिंग करेंगे ना तो आप लोगों को आ जाएगा पढ़ना भी, और शब्दों को सुनकर उसे लिखना भी आएगा। क्योंकि जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आप लोगों से डिक्टेशन यानी इमला आप लोगों को बोलूंगी और आपको बिना देखे लिखना होगा। ओके, तो इसलिए रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। हाँ, और काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके मैम, संस्कार ध्यान नहीं देता। संस्कार याद कर लीजिएगा, कुछ भी बोलो ये सुनता ही नहीं है। आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ओके, बाय चिल्ड्रन, बाय। थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम।